स्वागत, ताली बजा। स्वागत 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 स्वागत। अति जैसे सादर आग्रह के शिवरात्रियों को सब आशीर्वाद तथा आप सभी को मार्गदर्शन देने की मत कृपा करें। परम सदय आदरणीय श्री अलग श्री मणि के चीफ गेस्ट धन्यवाद। स्काउट गाइड के आज ट्रेनर भी हैं आप हरजी और मुलायम सिंह यादव जी, जो ये भारत स्काउट गाइड के जो बच्चों को आप श्री राम दुलार पीजी कॉलेज सेमरी में जिस हिसाब से आप बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे थे और ये पिछले 5 दिन से लगातार आपने बच्चों को सिखाया और बहुत कुछ बच्चों को आपने सिखाया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। सबसे पहले इस विद्यालय के प्रबंधक बड़े भैया आदरणीय केशजीत यादव जी, बड़े भैया आदरणीय ननकू यादव जी, हमारे पूजनीय गार्जियन स्वरूप परम आदरणीय फूलचंद तिवारी जी, मिश्रा जी, आदरणीय गुलाबचंद तिवारी जी, बड़े भैया राज बहादुर पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष राज बहादुर यादव जी, आदरणीय बहुत ही सीनियर मेरे पिताजी के अच्छे मित्र आदरणीय मुंशी जी, और इस साइड हमारे अजय प्रधान जी, सभी लोग खड़े हैं, सबको पहचान रहा हूँ। और लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ मुझे भी है कि बच्चे धूप में खड़े हैं, इसके लिए मैं सबको बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा। और जो ये स्काउट गाइड के ट्रेनर जी हैं, मैं उनसे पर्सनली आग्रह करूँगा कि ये कार्यक्रम आप जल्दी ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि बच्चों को प्यास लग रही होगी। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि जब मैं पढ़ाई कर रहा था, जब मैं पढ़ रहा था, तो इसी तरह मेरे तरह मुख्य अतिथि जब आते थे तो हम लोग धूप में जब खड़े होते थे कोई कार्यक्रम में, तो मन से उल्टा सीधा निकलता ही था मुँह से। तो इसलिए मैं सभी बच्चों को और ट्रेनर जी को खास कर मैं धन्यवाद दूंगा। बच्चों से आग्रह करूंगा कि जिस हिसाब से ये आपको 5 दिन की ट्रेनिंग दिए, मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि आप लोग इसको सीख ले के ज़रूर जाएंगे यहाँ से। और आने वाला समय, क्योंकि बीएड का ये आप लोग का आखिरी तो सेमेस्टर होगा, इसके बाद आप लोग कहीं ना कहीं इसकी आगे की पढ़ाई या सेवा में कहीं होंगे। मेरी प्रार्थना होगी, इस विद्यालय के तरफ से मैं प्रार्थना करना चाहूँगा, प्रबंधक जी से प्रार्थना करना चाहूँगा कि इन बच्चों का सहयोग, इस विद्यालय से निकल जाने के बाद इन बच्चों का आप सहयोग करिएगा, कहीं ना कहीं इनको सरकारी जॉब मिल जाए और ये कहीं ना कहीं टीचर हो जाए, बस मेरा यही आग्रह हो। गुड, ताली बजा। गुड गुड वेरी गुड, गुड गुड वेरी गुड। इसलिए मैंने ये बात कही, गुड गुड वेरी गुड, क्योंकि मेरा भी विद्यालय चलता है। मैं जब अपने विद्यालय पे कभी काल जाता हूँ 2-4 महीने पे का अखबार, तो वहाँ भी मैं बच्चों से यही कहता हूँ, तो वहाँ के जो हमारे विद्यालय के जो बच्चे हैं बीएड या बीटीसी के, वो हमसे एक ही क्वेश्चन करते हैं कि भैया अगर आप चाहेंगे सर, अगर आप चाहेंगे तो हम लोग को कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी मिल जाएगी। हम कहे ऐसा कैसे है? कहते हैं आप विधायक हैं, आप दिला देंगे हमको। तो मैं केशजीत भैया के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, जिस हिसाब से मेरे विद्यालय में मेरे बच्चे वहाँ से मुझे कहते हैं जब मैं कभी जाता हूँ,
आज मेरा सौभाग्य है कि आप लोग से मैं मिला, तो मैं केश जीत भैया के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ आप लोग से, कहीं अगर मेरी ज़रूरत पड़े तो ये आप समझ लीजिएगा कि प्रबंधक जी से अगर मैं कह दूंगा तो ये मानिएगा कि आपके प्रबंधक जी ही विधायक हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी आपकी पैरवी जरूर करेंगे, आपको कहीं ना कहीं सरकारी जॉब दिलाने का, अगर ये सरकार कहीं अगर सरकारी वैकेंसी निकाल देती है तो ये विश्वास रखिएगा कि आपके प्रबंधक जी, मैं भाई, मेरी भी उम्र कम, भाई जैसा हूँ आप लोग के, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो एक कदम हम और प्रबंधक जी दोनों लोग आपके साथ कंधा से कंधा मिला के एक कदम आगे चल के आप लोग को कहीं ना कहीं एडजस्ट कराने का पूरा प्रयास हम लोग करेंगे। सबसे ज़्यादा मेरा केवल ये आग्रह होगा कि जब आप लोग इस विद्यालय से निकलिएगा तो ऐसा आप लोग बिहेवियर करिएगा अपने घर पे या अपने गांव में, जैसे ये लगे उस गांव उस क्षेत्र के में ये लगे कि ये बच्चे श्री रामदुलार पीजी कॉलेज से पढ़े हुए बच्चे हैं, तब आपके लिए प्रबंधक जी भी खड़े रहेंगे, कहीं आपकी गलत लाइन गलत संगत अगर हो गई तो मुझे लगता है कि प्रबंधक जी नहीं खड़े रहेंगे साथ में। तो इसलिए मेरा आग्रह होगा कि आज ये स्काउट गाइड कार्यक्रम के समापन के बाद आप लोग जाएंगे तो मेहनत जरूर करेंगे, और आगे बढ़ने के लिए अगर जो व्यक्ति मेहनत करता है तो निश्चित एक ना एक दिन वो जरूर आगे बढ़ता है। क्योंकि जब मेरे मम्मी पापा मुझे कह रहे थे कि बेटा पढ़ लो तो पापा मारते थे, और मम्मी का दुलार मिलता था तो हम गाड़ी लेके अपना टहलते रहते थे, नहीं किए पढ़ाई, पढ़ाई नहीं कर पाए, राम भरोसे किसी तरह ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, वो भी एक दो बार फेल होके। तो इसलिए मेरा आज मम्मी पापा आप जरा सोचो, सबके मम्मी पापा एक बराबर नहीं होंगे, कहां से कैसे व्यवस्था पैसे की करके आपको बीएड कराए होंगे आपको नहीं मालूम हुआ होगा कि मेरे मम्मी मेरे पापा कहां से मुझे पैसा लाके दिए, वो तो फीस मम्मी पापा ने जमा किया। तो इसलिए मैं पर्सनली आप सबसे आग्रह कर रहा हूं कि मम्मी पापा को ध्यान सोचना, कहीं राशन बेचे होंगे, कहीं कोई जानवर बेच के आपके फीस का पैसा दिए होंगे, तो उनके उस पैसे का ख्याल रखना कि मेरे मम्मी पापा किस हिसाब से पैसा दिए, और उस पैसे का ख्याल रख के तो आप आगे बढ़ने का पूरा प्रयास करना। बदमाशी बहुत बच्चे बदमाशी करते, मैं देखता भी हूं, अभी तो आप स्कूल में हो ड्रेस में हो, कहीं हम आपके गांव पहुंच गए आप ड्रेस में नहीं हो, का यार लकी कैसे है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए बिहेवियर, जिस तरह आप स्कूल में हो ड्रेस से कितने बड़े खड़े हो, तो ये बिहेवियर बाहर भी होना चाहिए, बाउंड्री के बाहर कॉलेज के बाहर अगर आप जाओ तो ये बिहेवियर होना चाहिए, तब तो ये लगेगा कि श्री रामदुलार पीजी कॉलेज से आप लोग पढ़े हुए हो। ज़्यादा धूप है, मैं समय नहीं लूँगा, मैं उनसे ट्रेनर जी से कहूँगा कि ये कार्यक्रम आप जल्दी से इसको समापन करिए, सभी बच्चों को पूरे विद्यालय परिवार को या जितने मेरे यहाँ अतिथि लोग आए हैं इस विद्यालय प्रांगण में, जितने भी अतिथि लोग आए हैं सबका तहे दिल से सम्मान करते हुए, और आने वाले जितने बच्चे और यहाँ जितने लोग खड़े हैं आने वाले होली की सबको ढेर सारी शुभकामना और बधाई देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद।